चौथा चरण मध्य प्रदेश के लिए यह आखिरी चरण है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चार चरणों में चुनाव होने थे। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और लगातार हम आपको सुबह से ही, जब से वोटिंग शुरू हुई है, पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाने से लेकर सियासी हलकों में क्या गहमा गहमी है, जो दिग्गज हैं उनके दावे क्या हैं, क्या कह रहे हैं, कौन घर परिवार सहित वोट डालने पहुंच रहा है, क्या आम क्या खास, हर तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं हलचल। हमारे तमाम सहयोगी 8 लोकसभा सीटों में से लगातार आप तक अपडेट्स दे रहे हैं कितना वोटर्स टर्न आउट है। और चौथे चरण की वोटिंग के 8 घंटे पूरे हो चुके हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग है मध्य प्रदेश में, दोपहर 1 बजे तक 8 सीटों पर जहां आज वोट डाले जा रहे हैं, 48.52% वोटर्स टर्नआउट निकलकर सामने आया है, 48.52%। और अगर आपके क्षेत्र में आज पोलिंग हो रही है और आप अब तक घर से नहीं निकले हैं, तो अभी भी आपके लिए समय है, जरूर अपना सभी काम छोड़कर पहले मतदान करने के लिए पहुंचिए। अपने साथ अपने परिवार के, पास पड़ोस के, दोस्तों को, परिचितों को भी ले जाइए, उन्हें भी बताइए कि वोट देना कितना जरूरी है। और अगर आप वोट दे चुके हैं तो अपनी तस्वीर, अपनी उंगली पर जो स्याही लगी होती है, वोट देने के निशानी जो होती है, वो दिखाते हुए सेल्फी खींचकर भेजिए न्यूज 18 पर। हम आपकी तस्वीर को टीवी पर दिखाएंगे ताकि आप दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा का काम कर सके, उन्हें प्रेरित कर सके। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस को घेरा, कहा कि कांग्रेस के नेता को सपने में पाकिस्तान का परमाणु बम नजर आता है, ऐसे लोगों को देश सौंप सकते हैं क्या? कांग्रेस के नेता कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, हम कहते हैं नहीं पहनी है तो पहना देंगे। पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भी पहना देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, ये मणिशंकर का पॉडकास्ट को दिया हुआ एक इंटरव्यू सामने आया था, जहां वो पाकिस्तान में परमाणु बम होने का, पाकिस्तान के पास परमाणु बम होने की बात कहते हुए कह रहे थे कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए, ये सोचते हुए, ये ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, उसने चूड़ियां नहीं पहनी है। और उसी बात पर प्रधानमंत्री ने यहां कांग्रेस को घेरा है कि अगर पाकिस्तान को वो समझता है कि उसने चूड़ियां नहीं पहनी है तो डरने की बात नहीं है, हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। हमारे सहयोगी आशुतोष पुरोहित खरगोन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी ललित भी हमारे साथ वर्चुअल स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, और साथ ही स्वदेश जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, सबसे पहले तो जो अभी तक 1 बजे तक का जो हमने वोटर्स टर्नआउट दिखाया है 48% के आसपास का, उसको लेकर पहले आपका रिएक्शन, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र के महापर्व का ये सबसे बड़ा पर्व है, मैं समझता हूँ इसमें वोट सबको देना चाहिए, मैं अपील फिर करता हूँ। लेकिन सच बात यह है कि पिछले 2-3 चरणों में जो मतदान कम हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों में हताशा है, क्योंकि 10 साल के शासनकाल में, अब हमने भी 2-4 लोगों से बात की, भाई 10 साल में कुछ मिला नहीं है, ना 2 करोड़ रोजगार मिले, ना 15 लाख खाते में आया। इतना जरूर हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने काला धन तो लेकर आए, लेकिन 8,500 करोड़ अपने खातों में डलवा लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, चाहे वो पाकिस्तान की कंपनी हो, चाहे कोविशील्ड की कंपनी हो, चाहे वो कोई और कंपनी
कंपनी हो, चाहे वो चीन की कंपनी हो, आपने अपने खाते में डलवाने का काम किया, भाजपा को सुदृढ़ करने का काम किया, लेकिन देश को आपने नकार दिया, देश को आपने 80,000 कुछ नहीं किया, जनता में हताशा है, तो फिर कांग्रेस उम्मीद क्यों नहीं बन पाई? कांग्रेस उम्मीद बनी है तभी तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, मैं समझता हूं जब से लोकतंत्र कायम हुआ है किसी भी दल का प्रधानमंत्री रहा हो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपने भाषणों में चुनाव की आचार संहिता के दौरान पहले पैरा में जो अंकित है, जो उसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक भाषण देता हुआ पाया गया या प्रूफ हुआ तो उस पर कार्रवाई होगी, सांप्रदायिक आचार संहिता का उल्लंघन करना उसका स्वीकार करना पड़ेगा उसको, उस पर कार्रवाई होगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने दो फेज के बाद इतने घबरा गए बौखला गए कि हिंदू मुस्लिम पर आ गए। हिंदू मुस्लिम पर आप बताइए किसी भी प्रधानमंत्री ने अगर कोई भाषण दिया हो तो आप क्लिप बता दीजिए तो मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा। अरे नहीं, राजनीति ना छोड़िए भाई, आप लगातार बने रहिए। आशुतोष भी बता दीजिए ना। नहीं, सुदेश जी आ रहे हैं आपके पास, आशुतोष भी हमारे साथ खरगोन के अपडेट्स लेकर बने हुए हैं। आशुतोष, क्या कुछ अपडेट, कहां इस वक्त आप हैं, और थोड़ा अगर आप मानस टटोल पाए हो पब्लिक का, वोटर्स का, तो वो भी साझा करें। आशुतोष, मैं आपको बताना चाहूंगा, खरगोन लोकसभा क्षेत्र का मैं खरगोन शहर में मौजूद हूँ, यहाँ ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस है जहाँ पे मतदान केंद्र क्रमांक 100 है, इस पे मैं मौजूद हूँ। और जैसा हम दिन भर से सुबह से तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देना चाहते थे, वोट डालना चाहते थे, लेकिन अभी थोड़ी सी गर्मी शुरुआत हुई, जैसे सुबह बूंदाबांदी हो गई थी, बारिश हुई थी, तो ठंडा सुहाना मौसम था, तो लोग घरों से निकले थे। अभी थोड़ा भीड़ कम हुई है मतदान केंद्रों पर, लेकिन उसके बाद भी उत्साह है। मैं अभी बताना चाहूंगा, जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है कि करीब 3 बजे तक 55-60% के बीच में मतदान हो गया, और हमें उम्मीद लगाई जा रही है कि जो पिछले बार 76% जो मतदान हुआ था उससे ऊपर जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 5 उम्मीदवार है, जो 8 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है, वो सबसे कम उम्मीदवार खरगोन लोकसभा से ही है। आदिवासी बहुल लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 5 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। वैसे मुकाबला बीजेपी के गजेंद्र सिंह पटेल और कांग्रेस के पुरलाल खड़ते में ही माना जा रहा है। और लोकतंत्र के इस पर्व में लोग मतदान देने का जज्बा दिखाई दे रहा है, लोगों का ये लोग अपील भी कर रहे हैं, हम सुबह से लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोग यहाँ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, लगातार मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ अभी पीडब्ल्यूडी केंद्र पे जो मौजूद है कुछ मतदाता पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे, ये जो उत्सव है इसमें लोग जो सुबह भीड़ आई थी अभी कुछ कम हुई है, आप क्या मानते हैं? ये जो भीड़ है एक्चुअल में ये मौसम के कारण है, बाकी उत्साह बना रहेगा, और जहां तक ये अच्छे प्रतिशत से मतदान होगा और इस बार मतदान का नया रिकॉर्ड मौजूद होगा। बिल्कुल, अच्छा नहीं, अभी दो घंटे जैसे बाकी, अभी 3 बजे तक बना, तो आपको लग रहा है कि 74% जो खरगोन का पिछला जो रिकॉर्ड है उससे ज्यादा होगा, उसको टच तो कर ही जाएगा, हो सकता है कि 76 के बजाय या 78-80 तक भी आ सकता है, क्योंकि दोपहर का आधा घंटा खाली था, पर अब धीरे धीरे वापस लोग अपने घर से निकल कर मतदान की ओर वापस कुछ करना चालू कर दिया है। नहीं, पर ये लोकतंत्र का जैसे बड़ा पर्व है, और मतदान में जैसे हमने पहले दूसरे तीसरे चरण में भी देखा कुछ कमी आई है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, आप युवा मतदाता है, क्या सोचते हैं? एक्चुअल में क्या है कि कभी कभी मतदाता अपना मत देना चाहता है, कुछ परिस्थितियों में उलझ भी जाता है, अभी ऐसी स्थिति नहीं है, शासन में और सभी लोगों ने मदद भी करी कि आप छुट्टी ले सकते हैं, आप बाहर हैं तो बाहर से आप अपने मत केंद्र तक पहुँच कर अपने मत का उपयोग कर सकते हैं, जागरूकता भी ज्यादा आई है पहले से, हर आदमी अपने मत का उपयोग करना चाहता है, लगभग कर ही रहा है। मतलब ललित, देख सकते हैं लोगों में उत्साह तो है, और मतदान केंद्र पे अब धीरे धीरे, जैसे अभी 2 घंटे बचे हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 76-80% जो पिछला टारगेट है उससे आगे बढ़ेगा। बहुत शॉर्ट में जरा मुद्दे आपके खरगोन के, क्या कुछ रहे जब लोग वोट करने पहुंचे, बहुत शॉर्ट में आशुतोष। ललित, मैं बताना चाहूंगा, मुद्दे वही थे देश में जो मुद्दे चले हैं, लेकिन स्थानीय रूप में अगर मुद्दे की बात की जाए तो लोग यह चाहते हैं कि अब जिस प्रकार से विकास हो रहा है, तो विकास के चलते यहाँ पर एयरपोर्ट की सुविधा मिले, जो बायपास की सड़कें हैं वो बायपास की सड़कें मिले, साथ ही मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और साथ में ये जो खरगोन है, खरगोन में जिस प्रकार से DIG कार्यालय है, तो लोगों की ये मंशा है कि इंदौर से हटकर निमाड़ संभाग बने और उसका मुख्यालय खरगोन बने। ठीक, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, लगातार अपडेट आशुतोष हमें दे रहे थे चुनाव के क्या हाल है वो भी, और रूरल एरिया में भी काफ़ी जो है आशुतोष पहुंचे हुए थे आज सुबह। स्वदेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए, स्वदेश जी धार और रतलाम झाबुआ, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड विधानसभा में रहा उसको देखते हुए इन दो सीटों पर आपकी उम्मीदें ज़्यादा हैं, धार में स्थितियाँ आपके साथ साथ चलते वक्त अचानक से मामला भोजशाला पर शिफ्ट हुआ,
क्या नुकसान होगा इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले ही धर्म की राजनीति करे, प्रभु राम की राजनीति करे, गौ माता की राजनीति करे, करती रहे, लेकिन देश अब 10 साल में सब समझ चुका है, सब जान चुका है कि ये चंदे का धंधा चलाते हैं और ये ब्लैक मनी के नाम पर एक पैसा, मतलब अड़ी का पैसा, अड़ी डाल के कंपनियों से पैसा लेते हैं और भाजपा में जमा करवाते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। ये देश जान चुका है, ये 15 लाख दूसरों के खाते में मिला। मैं आपको एड ऑन करना चाह रहा हूँ, इस पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड आपको भी मिला है ना सुदेश जी? हमको मिला है, लेकिन हम सत्ता में नहीं, हमने किसी पे अड़ी नहीं डाली है, उन्होंने अड़ी डाली है और फिर वो कार्रवाई रुकी है। हाँ, ईडी और सीबीआई के जो छापे पड़े हैं वो कार्रवाई रोकी गई है। रोकी गई का मतलब होता है अड़ी डालना। हाँ, तो आपका आरोप अड़ी डालने का है कि हाँ अड़ी डाल के ये पैसा लिया गया। ठीक, बिल्कुल ठीक। कांग्रेस के लिए और क्या उम्मीदें आप देख रहे हैं इन 8 सीटों में देखा जाए तो? मैं इन 8 सीटों की बात नहीं, पूरे देश की, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, मैं समझता हूँ चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पूरे देश के किसी भी राज्य की बात कर लो, भाजपा का सबसे बड़ा नुकसान हर राज्य में ही हो रहा है। डीके शिवकुमार के भाई, डीके शिवकुमार के भाई अपनी सीट बचा पा रहे? आप सीट बचाने की बात कर रहे हैं कि भाजपा को वहां खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा? आप देख लीजिएगा, 4 जून को ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। चलिए चलिए, अब अपना के पास कुछ अपडेट है प्लीज। जी सुदेश जी, यहाँ पर कह रहे हैं कि खाता बचाने की बात मत कीजिए, बीजेपी को हरा रहे हैं, कांग्रेस सत्ता पर आ रही है, लेकिन वहां प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पाकिस्तान को हम चूड़ियां पहना देंगे, रिएक्शन लेंगे इस पर। लेकिन वहीं मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की न्यूज 18 से खास बातचीत, सुनिए। डॉक्टर मोहन यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर, चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे सर? चौथे चरण में निश्चित रूप की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। विधानसभा चुनाव में जिस मतदान केंद्र में आपने अपना वोट डाला था, आज आप वहीं पहुंचे, बाबा महाकाल की कृपा रही कि आप मुख्यमंत्री बने, आज आप पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वोट डालना हम सबका सौभाग्य और इसका मैंने उपयोग किया, मेरे परिवार सहित वोट डाला, पिताजी की सेवा की, उनने वोट डाला, पूरे परिवार के साथ वोट डाला। इस चुनाव हम देखते हैं वोट जिहाद की बात होती है, फिर सैम पित्रोदा आते हैं नस्ल भेद की बात, जिहाद है, जिहाद की मानसिकता कांग्रेसी मानसिकता है और इसी ने देश का नुकसान किया है। हमारे यहाँ तो रसखान की परंपरा रही, कितना भगवान कृष्ण का सुंदर वर्णन करते हैं, ताही अहिर की छोहरिया छचिया बर छाचे पे नाच नचावे, भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये गौरवशाली परंपरा है। मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस को, पूरे विपक्ष को इस बात को सबक लेना चाहिए कि आज़ादी के बाद सभी को सहिष्णुता के साथ लेकर के इस पल के लिए जिंदा रहें जिसके कारण से भारत की गौरवशाली परंपरा रही। मणिशंकर अय्यर जो है पाकिस्तान को लेकर बयान देते हैं, ओवैसी का बयान भी अब सामने आ रहा है, अय्यर भयंकर हो गए, ये पाकिस्तान परस्त है, मुझे लगता है कि उनके अपने अंदर की पाकिस्तान की कोई पता नहीं क्या कौन सी अंदर की बीमारी है जो निकल निकल के जब्दों को जब आती है। मैं समझ सकता हूं कि भारत के अंदर ये बात नहीं चलेगी, जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। आखिरी सीट सर, 29 सीट में से क्या लग रहा है? 29 की 29 पार, 29 सीट का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावा कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा के बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा। ब्रिटिश एनालिस्ट डगलसाथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 उज्जैन। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने निशाना साधा है इंडिया गठबंधन पर, कहा कि सारे चोर एकजुट हो गए हैं, इस गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला, पीएम मोदी के साथ है जनता का विश्वास। उंगली दिखा दे, इंडिया अलायंस जो है पूरी तरह से दिशाई है, वो काय का अलायंस, कई का ईट कई का रोड़ा, भानुमति की कुंभा जोड़ने के बाद में कुंभा जोड़ने में देर नहीं, वो सब टूट कर तार तार हो चुका है और जनता जानती है कि ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए करे, कोई इनका बस की सारे चोर चोर इकट्ठे हो गए, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम एकत्रित हो जाएंगे तो जनता कुछ का मन परिवर्तन होगा, लेकिन जनता जानती है कि हमारा कल्याण कौन कर रहा है और मोदी जी पर पूरी। वही मध्य प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि रतलाम सीट से बीजेपी उम्मीदवार नहीं, कमल का निशान चुनाव लड़ रहा है, हर कार्यकर्ता ने जमकर मेहनत की है, बीजेपी को यहां से ऐतिहासिक जीत मिलेगी। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से नागर सिंह चौहान की पत्नी अनिता नागर सिंह चौहान बीजेपी की प्रत्याशी हैं। मंत्री नागर सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं और इनकी धर्मपत्नी जो है वो यहाँ से कांतिलाल भूरिया जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। सर, मोदी जी की गारंटियों की बात करें या आपके इलेक्शन कैंपेन की बात करें, जनता तक पहुँचने में कितने सफल रहे और क्या परिणाम देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव अनिता नागर सिंह को 2 मार्च को मिला था टिकट और उसके बाद से लगातार करीब 70 दिन से हम लोग
हर क्षेत्र में कैंपेनिंग हमने की है और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है, हमने हमारा जो कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है और भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, भारतीय जनता पार्टी में सिंबल चुनाव लड़ता, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान लड़ता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट प्रत्याशी घोषित किया, हर कार्यकर्ता कमर कस के जनता के बीच में करीब 70 दिन गया है और उसी के दम पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी झाबुआ रतलाम अलीराजपुर लोकसभा ऐतिहासिक मतों से विजयश्री प्राप्त करने वाली है और तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। झाबुआ रतलाम सीट भी जीतेंगे और देश भर में जीतेंगे दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। नागर सिंह चौहान हमारे साथ थे। बहरहाल वोटिंग जो है वो लगातार जारी है और बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए झाबुआ अलीराजपुर से वासु चौरे। तो दावे हर कोई कर रहा है, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुदेश शर्मा तो जुड़े ही हुए थे हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी भी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया को भी आप देख रहे हैं। शैलेंद्र, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, कहाँ पर हैं आप और समय की लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल मैं अपना बता दूं कि मैं धार लोकसभा क्षेत्र के धार कस्बे में मौजूद हूं शहर में और ये आदर्श मतदान केंद्र है। दोपहर अगर 1 बजे तक की बात करूं तो लगभग 50% लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। कोई तेज धूप अब हो गई, ऐसे में अब जो कम लोग हैं बाहर निकल रहे, कुछ लोग हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग इतनी कड़ी धूप में वोट डालने आए, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? मुद्दे हमारे लिए हैं जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, जो टैक्स पेयर्स टैक्स देते हैं, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। जैसे मतलब मैं मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन टियर 3 सिटीज में जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे पानी हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, एजुकेशन हो, टियर 3 सिटीज में वो उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो वो मेरे लिए आप बताइए, आप एक महिला भी हैं तो किस तरीके से आप जो आप वोट देके आए, क्या मुद्दे आपके जहन में? सर, पहले मेरा जो मुद्दा है स्वास्थ्य को लेकर है, क्योंकि यहाँ थोड़ी मेडिकल सुविधाएं कम है धार जो हमारा जिला है, और सेकंड जो है वो सर शिक्षा को लेकर है। हम चाहते हैं कि यहाँ जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो और इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टार्ट हो यहाँ पर। तो देखिए, कम ही मतदाता, चूंकि दोपहर का समय है, कम निकल रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ बेसिक समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर अभी भी हावी है और उन पर निजात पाने का प्रयास होना चाहिए, ये कहना है यहाँ के लोगों का। और अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, हालांकि अगर विधानसभा के लिहाज से देखें तो कांग्रेस यहाँ ज्यादा मजबूत नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक यहाँ ज्यादा संख्या में है। लेकिन अब अगर मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊं कि देखिए, कुछ और युवा भी वोट करके आए। सर, आप भी वोट करके आए, कड़ी धूप पड़ रही है, क्या मुद्दे आपके इस बार? मुद्दे अभी तो सब क्लियर है वैसे जनता पार्टी की जी, सरकार में जी। लेकिन कुछ मुद्दे जो बचे हुए उनको पूरा करना चाहिए, जो मैनिफेस्टो में, जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है जी, उसे पूरा करना चाहिए और उम्मीदें करेगी बीजेपी सरकार। तो देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं, युवा जो है वो उनको लेकर आए, बड़ी काफी उम्र हो गई, चलने में भी परेशानी है, गर्मी का मौसम है, उसमें भी आप मतदान कराने लाए इनको? मतदान सबका अधिकार है, अपना जी, अपना जी, मतदान करना अवश्य जरूरी होता है। दादा, आप भी मतदान करने आए हैं, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, फिर भी आप मतदान करने आए? हाँ जी, मतदान तो, करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जी। तो देखिए, बुजुर्ग हैं, छड़ी के सहारे चल रहे हैं, वो अपने परिजन को साथ लेकर यहाँ मताधिकार का प्रयोग करने आए। ये तस्वीरें बताती हैं किस तरीके से मताधिकार का प्रयोग करना क्यों आवश्यक है। वो कह रहे हैं कि मतदान उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको वो आज निभाने आए। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी अपने घरों से नहीं निकले हैं। न्यूज 18 लगातार उन लोगों से भी अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से निकलिए और अधिक से अधिक मतदान कीजिए, ताकि लोकतंत्र की जो स्वस्थ लोकतंत्र है वो बना रहे। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो धार में ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा, जनता को तय करना, और साथ ही यहां उन्होंने भोशाला का जिक्र भी किया था। क्या आपको लगता है कि धार में इस बयान का, प्रधानमंत्री के इन शब्दों का चुनावी समीकरणों में कुछ असर पड़ा होगा? वो केवल मध्य प्रदेश भर के लिए नहीं था, वो पूरे देश के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रख करके किया गया था। क्योंकि पिछले 3 चुनाव को यदि हम देखते हैं, मैंने 14 और 19 के साथ 2 असेंबली चुनाव विशेष रूप से हम देखें, जिसमें पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक,
उसके अंदर जो मुस्लिम समुदाय का वोट था वो एंटी बीजेपी गया है, और एंटी बीजेपी तो उत्तर प्रदेश में भी जाता था, लेकिन एंटी बीजेपी जाना और उसको कहा कहना यानी उसका बखान करना, ये कर्नाटक में शुरू हुआ है। इसलिए ये वोट जिहाद का मामला प्रधानमंत्री जी ने उठाया, जो राष्ट्रीय स्तर का विषय है ये वोट। लेकिन मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से जो एरिया है खरगोन का है और अन्य जो क्षेत्र है जिसमें भोपाल का एरिया भी है, भोपाल में हालांकि बहुत ज्यादा वातावरण ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन जो भोटशाला को लेकर उन्होंने कहा था कि संस्कृति का विस्तार भी करना होगा, विकास भी करना होगा, इसीलिए मैं उसी बात पर आ रहा था। देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की कमान संभाली है, उस कमान में सांस्कृतिक उत्थान का विषय तो आया है। यदि हम आजादी के बाद से देखते हैं तो चार कानून ऐसे जबरदस्त बने थे जिनने भारतीय संस्कृति जो मूल रूप से है उसको नष्ट करने का काम किया था, जिसमें धर्मदान जो सबसे पहले 1951 में बना दिया था प्रधानमंत्री जी उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और वो अंग्रेजों के जमाने से चले हुए को भी और परिष्कृत करके बना दिया कि हिंदू समाज के जितने भी मंदिर हैं उसको यदि निचले स्तर पर भी अधिग्रहण करके और उसके आय से उसके चढ़ावे से और जो सरकारी कामकाज किए जा सकते हैं और उनके उसके धन का जो डाइवर्ट हुआ था वो एक ऐसे चीजें थे जिनके कारण आज तक जो है टीस है लोगों में, और इसी का ही ये सारा मामला है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं हमको जनसंघ बनती हुई दिखाई दी है। जी ब्रजगोपाल जी, चौथे चरण में जो अब तक वोटर्स टर्नआउट है उस पर भी आपका रिएक्शन, और जिस तरह से कहा सर ने कि जनसंघ बनती जा रही है, और दूसरा मेरा एक सवाल आपसे ये है कि उपलब्धियों का जब इतना ही चमचमाता हुआ रिपोर्ट कार्ड आपके पास है तो फिर वोट जिहाद की बात क्यों, मंगलसूत्र की बात क्यों, हिंदू मुसलमान की बात क्यों? बिल्कुल ठीक बात है अपर्णा जी। पहले तो मैं आपको ये कहूं कि जो आज मतदाताओं का रुझान मतदान में है, जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार 60% से ज्यादा मतदान अभी तक हो चुका है, तो ये एक उत्साह बढ़ाने वाला है। दूसरा, जो आपने कहा कि हमारे पास मुद्दे हैं, निश्चित हमारे पास मुद्दे हैं। इस देश ने देखा है कि किस तरह इस देश की सड़कों ने प्रगति की है, किस तरह जो छोटी छोटी सड़कें थी वो 4 लेन तक पहुंचने का काम हुआ है। आज गांव देश के 80 करोड़ लोगों को ये मालूम है कि उनकी थाली में जो भोजन आ रहा है वो प्रधानमंत्री की निःशुल्क राशन की व्यवस्था के कारण आ रहा है। आज इस देश के करोड़ों किसानों को मालूम है कि उनके खाते में जो 6,000 रुपए प्रतिवर्ष आते हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी किस तरह भेजते हैं, और वो भी लीक प्रूफ भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि 6,000 डालते हैं तो 600 पहुंचते हैं, नहीं नहीं 6,000 डालते हैं और 6,000 पहुंचते हैं। बहनों को भी मालूम है कि उनका जीवन स्तर किस तरह बदला है, किस तरह आरक्षण मिलने से अलावा शासकीय सेवाओं में उन्हें प्राथमिकता मिलना प्रारंभ हुई है। आज देश का हर वर्ग ये जानता है, क्योंकि ये सूचना तकनीक की क्रांति का युग है। अब दूसरी बात, जो आपने कहा कि आप जब क्रिया करेंगे, हम कहीं नहीं ले जाते हैं चुनाव को, हमने विकास के आधार पर वोट मांगना प्रारंभ किया था। हाँ। परंतु जब सलमान खुर्शीद की बेटी कहती है कि नहीं इस देश में वोट जिहाद की, मैं आपको आपकी बात कंप्लीट करने का पूरा मौका दूंगी। आपने तकनीक की बात की तो लगातार मुझे भी ये कहा जा रहा है कि ब्रेक का समय हो गया है, तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जल्द लौट रहे हैं।